फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर बीसीसीआई इसके साथ ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आज सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी और अब जो करंटली रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। ना सिर्फ ये मीटिंग शुरू हो चुकी है बल्कि इस मीटिंग में अब तक 5 बड़े डिसीजंस लिए जा चुके हैं, यानी 5 बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जा चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और इन 5 बड़े फैसलों का आईपीएल पर क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, लगभग एक सप्ताह पहले ACC यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से एशिया कप को कैंसिल कर दिया गया था और अब करंटली ICC की तरफ से भी ऐसी रिपोर्ट है कि T20 वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। अब तक केवल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, अदरवाइज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप होस्ट करने से मना कर चुका है, इवन सभी क्रिकेटिंग नेशंस वर्ल्ड कप खेलने से मना कर चुके हैं, यानी T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है। और ये सब कैंसिलेशन के बाद IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL की मीटिंग करने को डिसाइड किया था और इस मीटिंग में IPL को लेकर 5 बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। जो सबसे पहला बड़ा डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है IPL की होस्टिंग कंट्री को लेकर। तो करंटली BCCI ने ये कंफर्मड कर दिया है कि IPL 2020 का सीजन हमें UAE में देखने को मिलेगा। हालांकि BCCI ने थोड़ा वेट करने का भी फैसला लिया है। भारत सरकार अगस्त में भारत में क्रिकेट को लेकर एक बड़ी नई गाइडलाइन निकालेगी, लेकिन करंटली अगर उस गाइडलाइन में विदेशी प्लेयर्स के साथ भारत में IPL या फिर क्रिकेट की अनुमति नहीं मिलती है तो IPL 2020 का सीजन हमें भारत से बाहर यानी UAE में जाता हुआ दिखेगा। और अब करंटली लगभग 100% चांसेस हो चुके हैं कि IPL 2020 का सीजन UAE में होगा। इवन इस मीटिंग में सभी IPL फ्रेंचाइजिया, इसके साथ ही सभी BCCI के अधिकारी इस पर मोहर लगा चुके हैं। इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है या फिर किया गया है वो किया गया है IPL शेड्यूल को लेकर। दरअसल IPL शेड्यूल को लेकर इस मीटिंग में स्पष्ट हो चुका है कि IPL 2020 के सीजन का शेड्यूल हमें अगस्त के मिडल तक आता हुआ दिखेगा, यानी 15 अगस्त के आसपास IPL 2020 के सीजन का शेड्यूल आएगा। इससे पहले BCCI के अधिकारी UAE में जाकर सभी स्टेडियम्स का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अगर भारत सरकार भारत में IPL की अनुमति दे देती है, वो भी विदेशी प्लेयर्स के साथ IPL की अनुमति दे देती है, तो BCCI भारत में ही IPL कराएगा। इस वजह से 15 अगस्त तक IPL शेड्यूल नहीं आएगा, 15 अगस्त के आसपास ही IPL शेड्यूल आएगा। इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है IPL 2021 के सीजन को लेकर। दरअसल BCCI ने कन्फर्म्ड किया है कि सितंबर अक्टूबर में 2020 का सीजन होगा जबकि मार्च में 2021 का सीजन शुरू हो जाएगा, यानी इस बार केवल 6 महीने के अंतराल में हमें 2 IPL सीजन देखने को मिलेंगे। यानी IPL के फैंस को लगातार काफी अधिक इंतजार करना पड़ा है लेकिन अब केवल 6 महीने में लगातार 2 IPL सीजन हो जाएंगे। इसके साथ ही जो चौथा बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है IPL के ऑक्शन को लेकर। दरअसल BCCI की इस मीटिंग में ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि IPL 2021 का ऑक्शन जो कि या तो दिसंबर के महीने में होगा या फिर फरवरी के महीने में होगा, इसमें कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं होगा। दरअसल हर 3 साल में एक बार IPL में मेगा ऑक्शन होता है लेकिन IPL ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है और IPL होने के बाद ऑक्शन के लिए केवल 1.5 या फिर 2 महीने का समय बचेगा, तो इतने कम समय में टीमें इतना फास्ट डिसीजन नहीं बना पाएगी। इस वजह से इस साल कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं होगा, 2022 के सीजन में IPL में मेगा ऑक्शन होगा। इसके साथ ही जो पांचवा बड़ा डिसीजन या फिर पांचवा बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है BCCI के न्यू प्रेसिडेंट को लेकर। दरअसल सौरव गांगुली का BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में टेन्योर अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस वजह से इस मीटिंग में BCCI के नए प्रेसिडेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इस मीटिंग में ये फाइनलाइज हो चुका है कि अभी लगभग 10 से 15 दिन में कोई भी बड़ा फैसला नए प्रेसिडेंट को लेकर नहीं लिया जाएगा। एक बार IPL पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाए, IPL का शेड्यूल या फिर IPL की पूरी तरीके से प्लानिंग कंप्लीट हो जाए, इसके बाद BCCI नए प्रेसिडेंट को लेकर बड़ा फैसला लेगी। या तो सौरव गांगुली को ही दोबारा प्रेसिडेंट के रूप में रिटेन किया जाएगा या फिर किसी अदर व्यक्ति को BCCI
का नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग किसे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, या फिर सौरव गांगुली को ही दोबारा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रिटेन करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।